इंडिया में हम सब किसी न किसी वजह से इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को बेटर मानते हैं रीजनल लैंग्वेजेस से। अगर आप आजकल के सिनारियों को ही देखोगे तो यू विल सी डैट आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा छोड़ सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने में जोर देते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी मानते हैं डैट इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ाने की वजह से इंडिया आज तक एक पुअर और एक बैकवर्ड कंट्री रहा है। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस टू यू डैट व्हाई इट इज़ नॉट ट्रू। सो चलिए जानते हैं डैट कैसे सिर्फ इंग्लिश में फोकस करना इंडिया के फ्यूचर के लिए खतरनाक हो सकता है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको मेरी बातों में सेंस लगता है देन इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लुक द थिंग इज, इंडिया में बहुत सारे लोग इंग्लिश को एक क्विक फिक्स सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है डैट इंग्लिश सीख लेने से वो ज़्यादा स्किल सीख सकते हैं, उनके पास ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, जो कि अगर देखा जाए तो कुछ हद तक सही भी है। बट द क्वेश्चन कम्स डैट क्या सिर्फ इंग्लिश ही एकमात्र सॉल्यूशन है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए? चलिए जानते हैं। यूनेस्को के द्वारा एक रिसर्च में ये बताया गया है डैट एक बच्चा सबसे ज़्यादा तब सीखता है जब उसे उसकी मातृभाषा में सिखाया जाता है। इनफैक्ट दे हैव ऑल्सो सेड दिस थिंग डैट अगर किसी बच्चे को उसकी मातृभाषा में नहीं सिखाया जाता है तो इससे उसके लर्निंग पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। यह 1970 में नाइजीरिया के एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट अलियू फफुना ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जहाँ पे कुछ बच्चों को स्कूल के शुरू के 6 सालों तक उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया गया था और वहीं बाकी बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया गया था। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूँ डेट इंडिया की तरह ही नाइजीरिया भी एक समय ब्रिटिश शासन के अंदर आता था, विच मीन्स डेट इंग्लिश डोमिनेटेड देयर एजुकेशन सिस्टम। सो जब स्टडी का रिजल्ट सामने आया तो इट वॉज फाउंड डेट जिन बच्चों को उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया गया था दे डिड बेटर देन दोज हु वर टॉट इन इंग्लिश। और ऐसे ही वर्ल्ड वाइड और भी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं और हमेशा रिजल्ट इसी प्रकार का रहा है। फ्रॉम दिस इट इज प्रीटी क्लियर डेट अपनी भाषा में पढ़ाना क्यों बेटर होता है। जहाँ एक तरफ अगर आप बच्चे को एक ऐसी भाषा में पढ़ाते हो जिससे वो अनफेमिलियर होता है तो इससे उस बच्चे को पढ़ाई एक लेक्चर की तरह लगता है, और वहीं दूसरी तरफ बच्चे को अपनी मातृभाषा में पढ़ाने से बच्चा नेचुरली ज़्यादा इंगेज रहता है क्लास में, विच हेल्प्स देम इजिली डेवलप लिटरेसी स्किल्स एंड जनरल कॉग्निटिव एबिलिटीज। इनफैक्ट अगर बच्चा बड़ा होते हुए अपने रूट से जुड़ा हुआ नहीं होता है, अपने संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो इससे उसके सेल्फ स्टीम पर अच्छा खासा असर पड़ता है, विच ओवरऑल अफेक्ट्स द पर्सनैलिटी एंड ग्रोथ ऑफ डैट किड। एंड बिकॉज ऑफ दिस मेजोरिटी ऑफ इंडियन चिल्ड्रेन लीव स्कूल्स विदाउट द बेसिक्स ऑफ ओल्ड फैशन राइटिंग रीडिंग एंड अर्थमेटिक इन एनी लैंग्वेजेस। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? वेल द आंसर इज वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सरदार पटेल विद्यालय जो दिल्ली में है, जहाँ पे क्लास 5 तक बच्चों को सिर्फ हिंदी में पढ़ाया जाता है और उसके बाद से ही हायर क्लासेस के लिए पढ़ाई को इंग्लिश में स्विच किया जाता है। ठीक उसी तरह से इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं और उनका जो भी रीजनल लैंग्वेज है बच्चों को क्लास 5 तक उसी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए और उसके बाद वहाँ से वो इंग्लिश में स्विच कर सकते हैं। और NEP बिल यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बिल ने इस मॉडल को 2020 में अप्रूव भी कर दिया है। इनफैक्ट सम रिसर्च ऑल्सो टेल्स डैट चिल्ड्रेंस अबिलिटी टू लर्न ए सेकेंड और इवन ए थर्ड लैंग्वेज इम्प्रूव्स ग्रेटली अगर बच्चा अपना पहला लैंग्वेज ठीक से जानता है। इन माई ओपिनियन आई जनरली बिलीव डैट हर एक इंडियन को 3 भाषा जरूर सीखनी चाहिए। नंबर 1 इज संस्कृत, एंड आई फील डैट संस्कृत शुड बी आवर नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो सभी लैंग्वेजेस संस्कृत से ही बने हुए हैं। इसके साथ साथ क्या आपको पता है डैट इंग्लिश या फिर हिंदी में अगर किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को अगर आगे पीछे कर दिया जाता है तो इससे उस सेंटेंस की पूरी मीनिंग बदल जाती है। बट अगर बात की जाए संस्कृत की तो संस्कृत वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे अगर किसी सेंटेंस के वर्ड को अगर आगे पीछे भी कर दिया जाए तो इससे उस सेंटेंस का मीनिंग सेम ही रहेगा। यानी कि सोचिए डैट संस्कृत इतना ज़्यादा एडवांस लैंग्वेज है, एंड दैट्स वाई आई फील डैट संस्कृत शुड बी आवर नेशनल लैंग्वेज। दूसरे नंबर पर हमें रीजनल लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, यानी कि हमें अपनी मातृभाषा सीखनी चाहिए, और तीसरे नंबर पे हमें इंग्लिश सीखना चाहिए। बिकॉज वी ऑल नो दिस थिंग डैट इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज और इंग्लिश हमें वर्ल्ड स्टेज पे एक एक्सपोजर देती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को एक ऐसा बिल भी पास करना चाहिए विच मेक श्योर डैट जॉब इंटरव्यूज में इंग्लिश बोलना एक मैंडेटरी फैक्टर नहीं होना चाहिए। इफ ए पर्सन हैज द कैपेबिलिटी टू फुलफिल द नीड ऑफ ए जॉब ही और शी शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर स्किल्स
नॉट ऑन द फैक्ट डैट उन्हें इंग्लिश आती है या नहीं आती है। हम वेस्ट से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं डैट बहुत सारे इंडियंस का ये मिसकंसेप्शन है डैट जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें सिर्फ इंग्लिश में ही की जा सकती हैं एंड डैट इज़ सच अ रॉन्ग मिसकंसेप्शन। अगर आप चाइना या फिर जापान जैसे कंट्रीज को ही देखोगे जो अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं तो यू विल सी डैट उन सब देशों में मेजोरिटी लोगों को इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती है। वहाँ के देशों में सारे काम उनके खुद के लैंग्वेजेस में ही किए जाते हैं एंड फ्रॉम दिस इट प्रूव्स माय पॉइंट डैट इंग्लिश ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का या फिर इंडिया के डेवलपमेंट का। क्या आपको पता है डैट कोडिंग सीखने के लिए भी आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोडिंग बहुत सारे लैंग्वेजेस में किए जाते हैं। इनफैक्ट अगर बात इंडिया की भी की जाए तो आप kalam.io साइट में जाके आप हिंदी में भी कोडिंग कर सकते हो। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड डैट मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ डैट आपको इंग्लिश सीखना ही नहीं चाहिए, यू शुड डेफिनेटली लर्न इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर देता है, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी मातृभाषा आपको अपनी रीजनल लैंग्वेजेस भी ज़रूर आनी चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू डैट विद इंक्रीजिंग पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगर हम ऐसे ही अपनी मातृभाषा पर ध्यान नहीं दिए तो आगे आने वाले समय में सिर्फ कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस ही बच जाएंगे कम्युनिकेट करने के लिए एंड देन द वर्ल्ड विल बिकम ए पुअर प्लेस बिकॉज विद द लॉस ऑफ ए लैंग्वेज वी लूज डिफरेंट वेज ऑफ सीइंग द वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया एंड नाउ वॉच दिस नेक्स्ट वीडियोज विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। इस वीडियो को टैप करके आप देख सकते हो डैट क्या इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है या नहीं बन सकता है, और इस वीडियो को टैप करके आप देख सकते हो डैट व्हाई आई थिंक डैट इंडियंस आर ए थ्रेट टू इट्स ओन डेमोक्रेसी एंड एज एन इंडियन आई जेन्युइनली बिलीव डैट आपको ये दोनों वीडियो जरूर देखना चाहिए। सो डू वॉच द वीडियो एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम बी द चेंज।